नमस्कार दोस्तों। आलोक सब्लिमेशन टेक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं नया एक्रेलिक सीट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो एक्रेलिक सीट पे आप लोगों हम के इस लिए वीडियो वीडियो में में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि अगर मार्केट में जो एक्रेलिक सीट मिल रही है उस पर आपको प्रिंटिंग प्रोसेस कैसे करना है और अगर प्रिंट होता है तो किस टाइम और टेम्परेचर पे करना है। ये सारी बातें जो हैं हम आप लोगों से इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ आप लोगों को एक्रेलिक सीट दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6x9 की एक्रेलिक सीट है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं इस वीडियो को। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिया है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्रेलिक सीट पे आप लोगों को फ़ोटो प्रिंट करना है। और यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों बता दूँ कि जो मार्केट में इस समय एक्रेलिक सीट आ रही है कुछ इस तरीके से एक्रेलिक सीट जो आ रही है, जो कि बहुत सारे वीडियो आप लोग देख रहे होंगे एक्रेलिक सीट के, जो है एक्रेलिक सीट पे फ़ोटो बना करके मार्केट में सेल हो रहे हैं, अच्छे रेंज में सेल हो रहे हैं दोस्तों। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये एक्रेलिक सीट लेकर के आया हूँ। चूँकि ये वाली एक्रेलिक सीट जो आप देख सकते हैं ये ग्लासी वाली ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको पन्नी दिखाई पड़ रही है दोनों तरफ। इस तरीके से आप लोगों को पन्नी यहाँ पर ये एक आप लोगों को प्रोटेक्शन लेयर मिल जाती है दोनों साइड में, इधर भी है और इधर भी। बैक साइड में आपको यहाँ से प्रिंट करना होता है और प्रिंट करने के बाद इधर फ्रंट वाला जो है लेयर, जो प्रोटेक्शन लेयर होती है, इसको निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो आप लोगों को एक्रेलिक सीट मार्केट में मिल रही है कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर में आप लोगों को ये एक्रेलिक देखिए सीट दोस्तों, मिल यहाँ रही पर आप लोगों को ये एक्रेलिक सीट जो कि जिसकी साइज़ है 8x12, इस साइज़ में आप लोगों को एक्रेलिक सीट मिल जाता है जिसके ऊपर सब्लिमेशन प्रिंटिंग के द्वारा आप लोग फोटो प्रिंट कर सकते हैं और अच्छा सेल कर सकते हैं मार्केट में। दोस्तों आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मार्केट में बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि सर एक्रेलिक सीट नहीं मिल पा रही है मार्केट में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाली एक्रेलिक सीट मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो हमसे भी बाय कर सकते हैं अगर आप लोगों को कहीं नहीं मिल रही है तो। नहीं तो आप लोग जहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं वहाँ पर जाएंगे, इसलिए आप लोग उनको बताएंगे कि मुझे एक्रेलिक सीट चाहिए तो आप लोगों को ये वाली एक्रेलिक सीट देंगे। यहाँ पर अगर थिकनेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये 4 mm की एक्रेलिक सीट है और ये वाली एक्रेलिक सीट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये 5 mm की एक्रेलिक सीट है, जो कि उससे मोटी है और उससे अच्छी क्वालिटी में एक्रेलिक सीट है ये। लेकिन ये वाली सीट एक्रेलिक वाली ये आपको मार्केट में इस समय नहीं मिल पा रही है, जो कि मैंने बहुत सारा सर्च किया, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमको एक्रेलिक सीट लेना है और ये वाली एक्रेलिक सीट लेना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाली एक्रेलिक सीट जो है मिल नहीं पा रही है। तो मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों के लिए इस वाली एक्रेलिक सीट के लिए एक वीडियो आप लोगों को दे देता हूँ कि किस तरीके से टाइम और टेम्परेचर सेट करके, मान लीजिए अगर आपके पास 5-in-1 मशीन है तो उसमें आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं 16 तो 24 इससे से तो उसमें बड़ी प्रिंट कर साइज का भी सकते फोटो आप लोग प्रिंट करके 8x12 से भी बड़ी आप लोग एक्रेलिक सीट प्रिंट करके सेल कर सकते हैं। तो किस तरीके से प्रिंट करना होगा दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक एक चीज़ हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों आलोक सब्लिमेशन टेक। तो चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर पहले इस 8x12 के लिए फोटो को डिजाइन आप कर देख सकते हैं। ये वाला जो एक्रेलिक सीट है ये कुछ इस तरीके से खड़े में हमने प्रिंट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली एक्रेलिक सीट हम लोग लैंडस्केप में इसको हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगर आप चाहें तो ये स्टैंड के ऊपर भी आप लोग इसको प्रिंट करने के बाद इस तरीके से स्टैंड कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको इस तरीके से स्टैंड नहीं करना है तो आप लोगों को कैसे इसको सेट करना है दीवार में, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको दीवार में भी सेट करने के लिए बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग इसको दीवार में इजली सेट कर सकते हैं। तो पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर हम लोग पहले इसके लिए फ़ोटो को डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद हम लोग, चूँकि ये देखिए इसका साइज़ जो है दोस्तों 8x12, तो ये आप लोगों का A4 साइज पेपर में ये प्रिंट आपका नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंटिंग की बात करते हैं। प्रिंटिंग के लिए हमको इसके लिए, अगर 8x12 कर रहे हैं या 10x12 कर रहे हैं, 15x15 का कर रहे हैं, 12x18 का कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए जो प्रिंटर होना चाहिए वो होना चाहिए 6 कलर वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 कलर वाला टैंक प्रिंटर है
जो कि एप्सन का है। एप्सन वाली प्रिंटर पे जो है आप लोगों को L1800 सीरीज के अंदर आप लोगों को इसको प्रिंट करना होगा। यह L1300 का प्रिंटर है तो उससे भी आप लोग इजीली इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हम लोग इसके लिए प्रिंट आउट निकालते ये हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग एक्रेलिक शीट के लिए डिज़ाइन करने वाले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ डिज़ाइन करके रखे हुए हैं जो कि लैंडस्केप में है। चूँकि अब मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर आप लोगों को A4 साइज़ प्रिंटर में आप लोगों को नहीं करना है, आपको जो प्रिंट करना है यहाँ पर बिग साइज़ प्रिंटर में आप लोगों को इसको डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ में फ़ोटो को डिज़ाइन करके रखा हुआ है। ये देखिए जो कि A3 साइज़ में मैंने इसको जो है डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप पे उसको ओपन कर लें, जो भी आप लोगों को डिज़ाइन करना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है। आप लोगों को बता दूं कि प्रिंटिंग के पहले इसको मिरर नहीं करना है, इसको एक्चुअल साइज़ में ही रहना है, उसी साइज़ में हम लोग इसको प्रिंट देंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्रेलिक शीट पर हम लोग मिरर प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं, हम लोग सीधा ही प्रिंट निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक्रेलिक के ऊपर प्रिंट करना होता है। तो ये देखिए हम लोग प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट का ऑप्शन दे देते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए प्रिंटर जो है सेलेक्ट कर लेना है, जो भी प्रिंटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं L1800 सीरीज का प्रिंटर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, इसी के ऊपर हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग L1800 सीरीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जा करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चूँकि A3 पे हम लोगों को प्रिंट करना, तो मैंने आप लोगों को बताया था A3 में जाने के बाद 297x420 mm पे आप लोगों को क्लिक करना है। चूँकि हम लोग 12x18 के ऊपर जो है प्रिंट का पेपर हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो इस तरीके से देने के बाद हम लोग यहाँ पर पेपर इसको सेट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर पेपर टाइप की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रीमियम एप्सन प्रीमियम ग्लासी है, इस पे हम लोग सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर क्वालिटी की बात करें तो हम लोग हाई क्वालिटी में इसको करने के बाद, इस तरीके से सेटिंग करने के बाद हम लोग प्रिंट दे देंगे कुछ इस तरीके से, अगर आप लोगों के पास L1800 सीरीज का प्रिंटर है तो। ये देखिए हम लोगों का प्रिंट निकलना जो है स्टार्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों, सब्लिमेशन पेपर पे सब्लिमेशनिंग की सहायता से हम लोगों का प्रिंट आउट निकल चुका है, जो कि 8x12 साइज का है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं A3 प्रिंटर में मैंने इसको प्रिंट निकाला हुआ है। चूँकि इसका साइज जो है, ये आपकी जो एक्रेलिक सीट है, चूँकि 8x12 है, ताकि फुल प्रिंटिंग आ जाए, इसके लिए मैंने जो है इसको A3 से मैंने प्रिंट किया हुआ है। अब हम लोग फटाफट इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अगर आप लोग इसको A4 में प्रिंट करते हैं 8x12 को, तो थोड़ा सा साइड में कट जाती है आपकी ये प्रिंट जो है। तो इसलिए अगर प्रिंट कट जाएगी तो आपका प्रिंट प्रॉपर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि प्रिंट करने से पहले आपको साइज़ बराबर जो है चेक कर लेना है कि किस साइज़ में आपको प्रिंट चाहिए। जैसे अगर आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये जो है 6x9 की जो है एक्रेलिक सीट है, इसके ऊपर इजली आप लोग A4 प्रिंटर से आप लोग निकाल करके इस पर प्रिंट कर सकते हैं, या L1805 से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और बड़ा प्रिंट निकालना है और बड़ी सीट पे प्रिंट करना है, तो आप लोगों को A3 में ही प्रिंट निकालना होगा, तब आप लोग प्रॉपर इसको फुल प्रिंटिंग कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बताया कि ये हम लोग जो है 8x12 के लिए A3 प्रिंटर से हम लोगों ने प्रिंट को निकाला हुआ है। प्रिंट निकालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक्रेलिक सीट है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को सीट मिल जाती है। इसको हम लोग पहले बढ़िया से साफ़ कर लेते हैं, इस पर कोई डस्ट ना रहे, नहीं तो प्रिंट में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना कि हम लोगों ने इसको मिरर प्रिंट नहीं निकाला है, हम लोगों ने सीधा सीधा इसको प्रिंट निकाला हुआ है। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इसको अच्छे से सेट कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर आपको सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको बढ़िया से लॉक कर देना है, ताकि आप लोगों का प्रिंट आउट जो है हिले नहीं और आप ये बढ़िया से प्रिंट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ से इसको हम लोग लॉक कर देंगे।
इस तरीके से आप लोगों को बराबर इसमें जो है टेप लगा देना है क्रेलिक सीट के ऊपर। और ये देखिए जिधर व्हाइट भाग है उसी तरफ आपको प्रिंट करना है। ये येलो वाला भाग प्रिंट होने के बाद दोस्तों हम लोगों को इसको निकालना होता है। तो हम लोग चलते हैं मशीन के ऊपर, पहले टाइम और टेम्परेचर को देखते हैं किस टाइम और टेम्परेचर के ऊपर आप लोगों को एक्रेलिक सीट प्रिंट करना होगा ताकि प्रिंट आपकी क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया आए। तो हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं दोस्तों। फटाफट। ये 1624 की मशीन है जिसके अंदर हम लोग एक्रेलिक सीट को प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1624 की मशीन आप लोगों के सामने है। तो हम लोग पहले मशीन को कुछ इस तरीके से ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम और टेम्परेचर यहाँ पर बटन दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये लिखा है टेम्परेचर। टेम्परेचर को जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर 240 आप लोगों को शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जो टेम्परेचर रखने वाले हैं 240 ही रखेंगे। तो हम लोग इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए टाइम शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर 80 सेकेंड को करेंगे टाइम को। ये देखिए इस तरीके से हम लोग बढ़ा लेंगे टाइम को। माइनस वाला बटन प्रेस करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला प्रेस करेंगे तो प्लस में होगा। ये देखिए यहाँ पर एरो दिया गया है। आप लोगों को नहीं समझ रहा है तो एरो की देख करके आप लोग इसको समझ सकते हैं कि अप और डाउन को किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करना है। तो देखिए हम लोगों की मशीन हीट होना स्टार्ट हो चुकी है। 240 जैसी होगी मशीन जो है बीप की आवाज़ करेगी। हम लोग इसके अंदर एक्रेलिक सीट को प्रिंट करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग इससे बड़ी 8-12 या 16-24, 15-15 कुछ भी एक्रेलिक सीट को आप लोग यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं तो इजली 16-24 मशीन के अंदर आप लोग जो है यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस टाइम और टेम्परेचर के अंदर जैसी मशीन बीप की आवाज़ करेगी हम लोग इसके अंदर एक्रेलिक सीट को रखेंगे। ये देखिए दोस्तों ये मशीन है आपकी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस यहाँ जहाँ हमको प्रिंट करना है इसके ऊपर आपको एक टेफ्लान सीट रखना है। अगर आपके पास दो टेफ्लान सीट है, अगर आपके पास एक टेफ्लान सीट है तो एक आपको नीचे आपको पेपर रखना होगा। उसके बाद ये आपको एक्रेलिक सीट रखना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दूंगी कि ग्लव्स का प्रयोग करना होगा चूँकि मशीन आपकी हीट है तो यहाँ पर आप लोगों को सावधानी पूर्वक करना होगा। ये देखिए एक्रेलिक सीट रख दिए हैं हम। इसको एक्रेलिक सीट रखने के बाद ये इस तरह से रखना है ताकि पेपर वाला भाग जो है ऊपर की तरफ रहे। इसको रखने के बाद हम लोग ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर एक्रेलिक सीट के ऊपर हम लोग दूसरी टेफ्लॉन सीट को रखेंगे बराबर में करके। ये देखिए इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर जैसे ही मशीन हमारी बीप की आवाज़ करेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही सेकेंड बचे हुए हैं। जैसे ही बीप की आवाज़ करेगी हम लोग इसको प्रेस कर देंगे और टाइम जैसे ही आउट होगा मशीन प्रिंटिंग कंप्लीट करेगी हम लोग इसके अंदर से इसको निकालेंगे। ये देखिए 240 हो गया है, मशीन ने आउट कर दिया है। अब हम लोग इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको कोई बटन नहीं ऑन करनी है। जैसे ही मशीन प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग चलना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए टाइम ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई भी बटन आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा प्रिंटिंग मशीन बीप की आवाज़ करेगी, हम लोग इसके अंदर से प्रिंट को निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों मशीन ने बीप की आवाज़ कर दिया है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लव्स का प्रयोग करना होगा, सबसे पहले हम लोग मशीन को ऑफ कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग इसको उठाएंगे। ये देखिए क्योंकि मशीन बहुत ही हीट है दोस्तों तो आप लोगों को ध्यान देना होगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का प्रिंटिंग जो है कंप्लीट आपका प्रिंट हो चुका है। ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम आप लोगों के लिए इसको निकाल के बाहर करेंगे। आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जैसे ये प्रिंट हो तुरंत आप लोगों को इसको उठाना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही लूज हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी देर इसको लोगों की एक्रेलिक सीट जो है प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, हम लोग इसको पहले निकाल देते हैं। ये जो टेप लगा हुआ है ये देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि बैक साइड में प्रिंट करते हैं तो फ्रंट साइड में विजिबल होता है ये आपका एक्रेलिक सीट। ये देखिए एक्रेलिक सीट दोस्तों आप लोगों को प्रिंट करने के बाद आपको ध्यान देना होगा कि ये जो है आप लोगों का हीट जब रहता है तो तुरंत इसको नहीं उठाना है। नहीं तो ये देखिए जैसे मेरी एक्रेलिक सीट आपके देख सकते हैं ये बाइंड हो गई है, थोड़ा सा मुड़ गया है। इस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि ये इसको बाद में आपको प्रेस करना होता है। ये देखिए इस साइड हम लोगों ने इसको प्रिंट किया था। ये देखिए थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, हम लोग इसको सीधा कर लेंगे पहले।
ये देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास कोई दूसरी मशीन है तो इसमें इसको डाल करके आप लोग प्रेस कर सकते हैं, जैसा कि हम भी करने वाले हैं। 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के अंदर हम लोग इसको डालने वाले हैं। जो अगर आपके पास दूसरी मशीन है तो उसमें डाल करके इस तरीके से आप लोगों को प्रेस कर देना है, ताकि आपकी जो है एक्रेलिक सीट है वो बराबर जो है सीधी हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसमें जो है ऑलरेडी मशीन में जो है 5-in-1 में मैंने उसको डाल दिया है, और कुछ सेकंड के लिए, ताकि जो है ये आपका जो है हीट रहेगी एक्रेलिक सीट तो सीधी हो जाएगी, बाद में ये सीधी ये नहीं देखिए हो दोस्तों, पाएगी। मशीन से निकालने के बाद भी ये देख सकते हैं यहाँ पर आपकी ये सीट जो है सीधी नहीं हुई। आप लोगों को ध्यान देना होगा कि ये एक्रेलिक सीट प्रिंट करने के बाद आप लोगों को तुरंत उठाना नहीं है। ये बराबर आप देख सकते हैं, चूँकि ये पूरा जो है आपका, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये बैंड हो चुकी है एक्रेलिक सीट, ये देखिए। अब हम लोग चलते हैं इसको निकालते हैं पहले। ये देखिए प्रिंट होने प्रोटेक्शन लेयर जो इसके ऊपर लगी हुई है, अब हम लोग इसको प्रिंट करने के बाद हम लोग इस प्रोटेक्शन लेयर को निकाल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका प्रिंट आया हुआ है। ये देखिए प्रोटेक्शन लेयर निकालने के बाद अब एक्रेलिक सीट को आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए प्रोटेक्शन लेयर इसके ऊपर लगी रहती है, ताकि आपके प्रिंट में स्क्रैच ना आए, इसलिए दिया रहता है ये। प्रिंट होने के बाद ही आपको निकालना होता है। इस वाली एक्रेलिक सीट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इजीली जो है प्रोटेक्शन लेयर बहुत ही इजी है निकालना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रहता है, इस साइड में भी इसी तरीके से दिया गया है, लेकिन इस वाले में पीलो वालों में आप देख सकते हैं जो येलो कलर का है, इसमें थोड़ा सा इस तरीके से दिया गया है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है निकालने में इसको। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको निकालना है। ये थोड़ा सा हीट रहता है तो जल्दी निकल जाता है, नहीं तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो निकलने में दिक्कत करता है। ये देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसको बढ़िया से निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन लेयर को हटा देते हैं, और ये आपकी एक्रेलिक सीट इस तरीके से प्रिंट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटिंग की क्वालिटी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है। इसको आप लोग चाहें तो इसको जो है इस तरीके से स्टैंड भी कर सकते हैं। ये देखिए स्टैंड के ऊपर आप लोग चाहें तो इसको जो है स्टैंड भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं स्टैंड करना है तो इसके सीध बैक साइड में आप लोग जा करके यहाँ पर, ये देखिए इसके ऊपर जाकर, ये डबल साइड का टेप है, इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर चारों साइड में टेप लगा करके आप लोग इसको कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। जहाँ भी आप लोगों को लगाना होगा वहाँ पर आप लोग इसको दीवार में या घरों में या गेट पे कहीं भी आप लोग इसको लगा करके फिक्स कर सकते हैं। ये एक्रेलिक सीट है जो कि ईजिली आप लोगों को मिल जाती है। अगर दोस्तों आप लोगों को एक्रेलिक सीट चाहिए ये, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ये देखिए, या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आप लोग। अगर आप लोगों को एक्रेलिक सीट नहीं मिल रही है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक्रेलिक सीट मिले, और आप लोग इजली इस पर प्रिंट कर पाएँ और अच्छा सेल कर पाएँ। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज़ के वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं, आप लोगों से मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलता हूँ किसी नए प्रिंटिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।